यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था के द्वारा जितने भी बायोकेमिकल्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बायो के लिए और उसका सॉरी केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका नामकरण जो होता है वो इस पद्धति के द्वारा होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन कार्बनिक पदार्थों को इस संस्था के द्वारा नाम दिया गया है, उसके द्वारा हम आज इसको पढ़ेंगे। हम किस तरीके देखते हैं, जो भी हमारे सामने हाइड्रोकार्बन दिखाई देते हैं, जो भी यौगिक दिखाई देते हैं उनके अंदर कार्बन होगा और कार्बन की पहचान करने के बाद उनका नामकरण कर देते हैं। कार्बन एक है किसी यौगिक के अंदर तो उसका नाम क्या होगा, दो है तो क्या होगा, तीन है तो क्या होगा, चार है तो क्या होगा, इसको आगे देखते हैं। हम देखते हैं कार्बन अगर एक है दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये दस कार्बन तक हमें श्रृंखला देखनी होती है। जो हमारे हाइड्रोकार्बन की नंबर है हमें पढ़ना है, दस कार्बन तक हमें देखना है। अगर कार्बन किसी भी चेन के अंदर किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की संख्या यदि वन है तो उसको नाम होता है बेटा मैन। क्या होता है उसे नाम देते हैं मैन। अगर दो कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा एक, क्या होगा बेटा एक होगा। और तीन कार्बन का नाम क्या हो जाता है क्रॉप क्रॉप। चार का नाम हो जाएगा बेटा ब्यूट। पांच का नाम हो जाएगा पेंट। छह का नाम हो जाएगा हेक्स। सात का नाम हो जाएगा हेक्ट। आठ का नाम होगा ऑक्ट। नौ का नाम होगा नॉन। और दस का नाम होगा बेटा डी। इस तरीके से हम कार्बन की संख्या पहचानेंगे और कार्बन की संख्या पहचानने के बाद हम बता देंगे कि कार्बन कौन सा। यदि हमने लिखा सी एच फोर, इसमें आप बताइए कार्बन कितने हैं बेटा, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या यहाँ पे वन है, तो वन होने के कारण कार्बन की संख्या एक होने के कारण इसका नाम यहाँ देखिए क्या है मैन। क्या हो जाएगा ये मैन। और बोर्ड इसमें कौन सा लग रहा है, सिंगल बोर्ड हाइड्रोजन के साथ कार्बन को जोड़ रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन की जो बॉन्डेशन हो रही है वो कौन से बोर्ड के साथ हो रही है, सिंगल बोर्ड के साथ हो रही है। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे क्या लगा देते हैं ए एन ही लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा मेथेन। क्या बन गया ये मेथेन बन गया। इसी प्रकार से यदि हम लिखे सी टू एच सिक्स C2H6, तो यहाँ पे हम पहचानेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, कितने कार्बन है यहाँ पर दो। यहाँ बेटे कार्बन की संख्या है दो। बॉन्ड कौन सा लग रहा है, बॉन्ड भी सिंगल लग रहा है, तो कार्बन की संख्या दो वाले का नाम क्या होता है एक होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा E प्लस N इज इक्वल टू 10। इस तरीके से हम इनका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले एक कार्बन होगा तो उसे मेन बोलते हैं, दो कार्बन को एज बोलते हैं, तीन कार्बन को क्लोब बोलते हैं, चार को ब्यूट बोलते हैं, पांच को पेंट बोलते हैं, छह को हेक्स बोलते हैं, सात को हैप, आठ को ऑक, नौ को नॉन, दस को टेन। इट इज क्लियर। अब इसके साथ इसकी आगे नामकरण पद्धति में हम इसको पढ़ते हैं, इसको तीन टाइप में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। पहला होता है बेटा एल्केन, एल्केन ठीक है। दूसरा होता है एल्कीन, एल्कीन। और तीसरा होता है अल्काइन। ये तीन टाइप के हमें बॉन्ड पढ़ने पड़ेंगे। एल्केन मींस सिंगल बॉन्ड, जिन हाइड्रोकार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे एल्केन बोलते हैं, जिन हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन बोलते हैं, और जिन हाइड्रोकार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे एल्काइन बोलते हैं। यदि उनके बीच में बॉन्डेशन दिखाई नहीं दे रहा है, बॉन्ड दिखाई नहीं रहा है, डायरेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, तो हम पहचान सकते हैं उसके फार्मूले के द्वारा। एल्केन का फार्मूला अलग होता है, एल्कीन का अलग होता है, एल्काइन का अलग होता है। तब हम इनके आप जनरल फार्मूले भी देखते हैं बेटा। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। बहुत ही अच्छी बात यह समझने के लिए आपके लिए है कि यहाँ पर CnH2n सबके साथ दिया हुआ है, CnH2n, CnH2n, CnH2n। लेकिन एल्केन में क्या होता है प्लस टू होता है, एल्केन में क्या होता है बेटा प्लस टू होता है, और एक
आपको समझने में बहुत आसानी होती है, समझ सकते हैं कि कहां पे माइनस टू हो रहा है तो एल्काइन हो जाएगा और प्लस टू हो जाएगा तो एल्केन हो जाएगा, और जहां कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है वहां क्या होता है एल्कीन। अब हम यहाँ पे सी जो दिया हुआ है ना, सी मीन्स होता है कार्बन, सी मीन्स क्या होता है कार्बन, एन फोर होता है नंबर, एन फोर क्या होता है बेटा नंबर, नंबर ऑफ कार्बन, हम कार्बन के कितने नंबर ले रहा है, कार्बन की कितनी संख्या ले रहा है। उसके बाद एच होता है हाइड्रोजन और टू एन होता है डबल कर देंगे इसको, कार्बन का डबल कर देंगे और प्लस टू एड कर देंगे। सपोज एन बराबर हमने ले लिया बेटा फोर, इस फार्मूले में जहां जहां एन होगा वहां पे हम कितने लगा देंगे फोर लगा देंगे। तो फार्मूला में एक बार लिखते हैं सी एन एच टू एन प्लस टू, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने एन जगह कितने लिख दिया बेटा, एन की जगह लिख दी फोर, उसी कैसे लिख दीजिएगा एन की जगह फोर लिख दीजिएगा, लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा बेटा हाइड्रोजन आ जाएगा, एच उतार दिया, टू एच उतार देंगे, बीच में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे नंबर और कोई भी संख्या लिखी होती है मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और एन बराबर कितने लिखेंगे यहाँ पे फोर प्लस टू कर दीजिए, तो C4 H 2 4 लिखने